मैं संदीप बगदोमन आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12 क्लास एग्रीकल्चर का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 5। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंचित खेती एवं जल मांग। आज का जो हमारा वीडियो है इस अध्याय का पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंचित खेती एवं फसलों की जल मांग किस तरह होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे। साथ साथ जो है मिश्र सिंचित खेती के क्या क्या लाभ होते हैं इसको भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पास इसका, देखते हैं मिश्रित खेती की या सॉरी सिंचित खेती की परिभाषा क्या होता है। जिसमें बोलता है फसलों के संकट काल के समय जल की पूर्ति करना फसल की सिंचित खेती कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, फसलों के संकट काल के समय पौधों को या फसल को जल देना या पानी देना वो कहलाता है हमारे में इसका सिंचित खेती वो कहलाते हैं। ठीक है, सिंचित खेती उसी को कहा जाता है। जैसे कि अगर पौधे या हमने फसल लिए हैं वहाँ पर, अगर ऊपर के तरफ से बारिश अगर नहीं हो रहा है तो अगर वो हमारा पौधा मुरझा रहा है या उसमें वो मरने की स्थिति में आ गए हैं तो उस समय कृत्रिम रूप से उसको पानी देना वो कहलाता है सिंचित खेती हमें कहलाते हैं। ठीक है, और सिंचित खेती हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये ऐसा हो गया है, अभी का एटमोसफेयर ऐसा हो गया है कि कोई बारिश का निश्चित समय नहीं होता है, जिसके कारण से बहुत सारे जो फसल होते हैं वो समय पर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें सिंचित खेती की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इसमें देखने को हमको मिलता है। तो सिंचित खेती का मतलब समझ गए कि फसलों के संकट काल के समय फसलों को जल देना सिंचित खेती कहलाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में लगभग आपका 117 मिलियन हेक्टेयर जो है खेती के लिए प्रोवाइड है। ठीक है, 17 मिलियन हेक्टेयर जो खेत है उसी पर खेती किया जाता है। तो जिसमें से हमारा 41 मिलियन जो है यही केवल सिंचित है, बाकी हमारा पूरा कैसा है, पूरा असिंचित में आता है क्योंकि हमारे पास इसका साधन हमारे पास नहीं है, इसलिए वो असिंचित एरियाज में असिंचित क्राइटेरियम उसको जो डाला गया है। तो हमारे लगभग 117 मिलियन हेक्टेयर जो खेती है इसमें से 41 मिलियन में ही केवल सिंचित होता है या वहीं पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है, जिसमें से 40% मतलब इस 41 मिलियन में से 40% जो नहरों के द्वारा होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े डैम होता है, बांध होता है, उसके थ्रू होते हैं। तो नहरों के थ्रू केवल 40% की सिंचाई उसमें किया जाता है और उसी के साथ साथ 35% से कच्चे कुएं जो है, यानी कि गाँव में जो कच्चे कुएं पहले जो रहते हैं, मतलब पहले जो अब बनवाए गए थे उन्हीं के द्वारा इसमें सिंचाई किया जाता है। लगभग 35% की सिंचाई इसमें करते हैं। साथ साथ इसमें आपका 25% जो है आपका झील से तालाब से इसकी सिंचाई किया जाता है या ट्यूबवेल से इसकी सिंचाई करते हैं। लगभग 25% ही केवल इसका उपयोग करते हैं, मतलब टोटल और हम लोग जो है 40 मिलियन खेती पर ही क्या करते हैं, हमारा सिंचित है, बाकी हमारा पूरा असिंचित एरिया में वो आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि फसलों की जल मांग क्या होती है, जल मांग या जल मांग का डेफिनेशन क्या होगा उसको भी इसमें देख लेते हैं। जिसमें क्या बोलता है, 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा जितने किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसको बोलते हैं फसलों की जल मांग कहते हैं। मतलब कि सीधा आपको मैं समझाऊं कि तो इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई पौधा है तो 1 किलोग्राम अगर वहां पर फसल की उत्पत्ति कर रहा है वो, तो 1 किलोग्राम फसल उत्पन्न करने के लिए उसको जितने पानी की आवश्यकता, मतलब जितने पानी की आवश्यकता होगा वही कहलाएगा उसकी जल मांग, वो कहलाते हैं। जैसे कि हम क्या होता है इसमें वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों इसमें जो है वो चलता है, क्योंकि इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होते हैं, इसमें जल की हानि होता है हमें। ठीक है, जल जो है वाष्प बन के इसमें उड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 किलोग्राम हमको शुष्क पदार्थ अर्थात सूखा हुआ अनाज के रूप में प्राप्त करने के लिए जितने पानी की या जितने जल की आवश्यकता होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फसलों की जल मांग इसमें कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए, मैं एक बार और फिर से इसको दोहरा देता हूँ कि 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ तैयार करने के लिए जितने किलोग्राम पानी की आवश्यकता होगा वही उसका जल मांग इसमें कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम इसमें एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ये धान है। ठीक है, तो धान के 1 किलोग्राम हमको बीज इसमें प्राप्त होगा क्योंकि धान जब सूखा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हमारे में शुष्क पदार्थ बोलेंगे ना। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी है, 1 केजी शुष्क पदार्थ हमको ये प्राप्त होना है। तो इस प्राप्त होने के लिए हमको
जितने मतलब कितने वहां पर लगेगा हमको नहीं पता है, कितने जितने वहां पर जल की आवश्यकता होगा, जितने किलोग्राम जल की आवश्यकता होगा वही उसकी जल मांग कहलाएगा। सपोज यहाँ पर मान लेते हैं एक किलोग्राम शुष्क पदार्थ यानी कि धान का बीज हमको प्राप्त करने के लिए आपका 2 kg 2 kg हमको पानी की आवश्यकता हुआ, तो 2 kg यानी कि 2 kg उसका जल मांग हुआ इसका आपका धान के 1 kg हमको प्राप्त होने के लिए। ठीक है, तो शुष्क पदार्थ हमको यहाँ से प्राप्त होना है, तो जितना किलो शुष्क यानी कि 1 kg शुष्क पदार्थ तैयार होने के लिए कितने या जितने किलोग्राम पानी की आवश्यकता होगी या पानी उसमें दिए जाएंगे तो वही कहलाएगा उसका क्या जल मांग, उसमें वो कहलाते हैं। ठीक है, अगर 1 kg का अगर यहाँ से निकल जाएगा तो आप आराम से इसमें से कई सारे इसमें से गणित को इसमें सॉल्व किया जा सकता है क्विंटल का, उसके बाद जो है जितने सारे वहां पर रहते हैं उसका सारे काम इसमें निकाल सकते हैं, 5 kg 10 kg 100 kg 1000 kg इतने को हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बोलते हैं इसको जो है निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट एमपी है क्योंकि हमेशा एग्जाम में आता है कि फसलों की जल मांग का सूत्र क्या होता है, आपको आगे पीछे करके दे सकते हैं या इसमें से किसी एक को छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको फिल करें करके भी दिया जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फसलों के जल मांग का सूत्र है। ठीक है, ये क्या है उसका सूत्र है या फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना बहुत ही इसमें जरूरी होता है। तो अब देखते हैं ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, तो WR का मतलब क्या होते हैं, तो WR का मतलब होता है फसलों की जल मांग। ठीक है, फसलों की जल मांग बराबर क्या बोला गया है, ई मतलब होता है वाष्पीकरण के रूप में नष्ट हुई मात्रा, वाष्पीकरण के रूप में नष्ट हुई मात्रा अर्थात पौधों के जो अवायवीय भाग है उसके थ्रू पानी का कितना प्रतिशत वहां से वाष्प बन के उड़ा। ठीक है, कितना प्रतिशत वाष्प बन के उड़ा वो कहलाएगा इसके वाष्पीकरण के रूप में नष्ट हुई मात्रा, इसको ई बराबर लिखा जाता है। फिर आप इसमें टी बराबर देखते हैं तो बोलता है जल की वाष्पोत्सर्जन के रूप में प्रयोग की गई मात्रा। ठीक है, तो जल की वाष्पोत्सर्जन के रूप में प्रयोग की गई मात्रा अर्थात हमने वहां पर कितना पानी उस खेत में दिया था और कितना वहां पर जो है वो प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो उसमें प्रयोग की गई मतलब हमने कितने किलोग्राम वहां पर खेत में पानी को छोड़ा था, तो वो कहलाएगा हमारे मिट्टी। और उस तरह से बी क्या बोलता है, ये बी क्या है, तो मान लीजिए ये दिया है इसमें पौधों के शरीर निर्माण के लिए उपयुक्त मात्रा, पौधों के शरीर निर्माण पौधों में उसके टहनी आने तक या उसके बालियां आने तक प्रयोग की गई मात्रा कहलाएगा हमारा बी, से उसको डिनोट किया जाता है। और उस तरह से जो एल बचा लास्ट में, तो एल का मतलब होता है पानी का अपव्यय, पानी का अपव्यय मतलब कितना पानी वहां से नष्ट होकर चला गया। ठीक है, कितना पानी वहां से क्या हो गया नष्ट होकर चला गया, जैसे कि वाष्पीकरण के थ्रू हो गया या आपके जो है जैसे कि खेत होता है तो खेत के किनारों में मिट्टी के द्वारा उसका अवशोषण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे इसमें अपव्यय के कारण इसमें देखने को हमको मिलता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल अभी ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर कुछ लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया डब्ल्यू आर बराबर यहाँ पर क्या है, ई बराबर क्या है वाष्पीकरण के रूप में नष्ट हुई मात्रा, तो मान लेते हैं एक यहाँ पर 1 kg यहाँ पर नष्ट हुआ है। फिर क्या बोलता है फसल की वाष्पोत्सर्जन के रूप में प्रयोग की गई मात्रा यहाँ पर कितना किया था 3 kg किया था यहाँ पर। फिर बोलता है पौधों के शरीर के निर्माण के लिए प्रयुक्त मात्रा, तो पौधों के शरीर के निर्माण के लिए कितने पानी हमने वहां पर दिया था, तो हमने दिया था मान लिया जाए 10 kg वहां पर दिए थे और उसका अपव्यय हुआ यहाँ पर 1 kg अपव्यय हो गया, तो जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यही क्या कहलाएगा हमारे में फसल की जो है वो जल मांग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं डब्ल्यू आर बराबर क्या हो जाएगा एक और प्लस कितना हो गया, सॉरी एक और तीन कितना हो गया 4 और ये हो गया हमारे में 5 और 10 कितना हुआ 15। ठीक है, तो डब्ल्यू आर बराबर आपका 15 मतलब जो है 15 kg इसकी क्या होगा जल मांग होगा। ठीक है, 15 kg जो है वो जल मांग होता है एक फसल। ठीक है, तो कुछ को इसको इस तरह से इसमें निकाला जाता है। चलिए उसके बाद इसमें देखते हैं कि अलग अलग फसलों के लिए इसके संकट काल या सॉरी जल मांग जो है वो कितना सेंटीमीटर हमको जल की आवश्यकता उसमें होता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर जो कॉलम हमारा इधर फसल लिखा है, इधर हमने क्या लिखे हैं जल मांग लिखे हैं सेंटीमीटर में कि जो फसल है उसको कितनी जल की आवश्यकता है उसमें होता है। तो इसके लिए हमारे पास होता है जैसे पहला आता है धान, तो धान के लिए हमें कितना है 92 cm की आवश्यकता होती है। फिर इसके साथ है इसमें गेहूँ, तो गेहूँ के लिए आपको 20 cm जल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है हमारे में ज्वार, तो ज्वार के लिए आपको 25 cm जल की आवश्यकता। फिर इस तरह से मक्का है, तो मक्का के लिए आपका 37 cm जल की आवश्यकता। फिर उस तरह से गन्ना है, तो गन्ना के लिए 125
सेंटीमीटर जल की आवश्यकताएं होती है। फिर चना आते तो चना के लिए 10, फिर जौ आते जौ के लिए 18, सरसों के लिए 16, बाजरा के लिए 50, मूंगफली के लिए 60 और सोयाबीन के लिए 70। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो जल मांग की आवश्यकता इसमें वो होता है। अर्थात जो है अगर हमको फसल को लेना है तो उसकी जल मांग को ध्यान में रखते हुए हमको फसलों को लेना होता है, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर सही से उसको पानी नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, तो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, उसकी उपज हमको अच्छे से उसमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमको इसकी जल मांग का भी ध्यान रखना बहुत ही इसमें जरूरी होता है। तो सबसे ज्यादा जल मांग हमारे पास होता है गन्ना का, सुखते हैं उसके बाद इसका लाभ देखते हैं, सिंचित खेती के क्या क्या लाभ होता है। तो पहला होता है हमारे में आय में वृद्धि, ठीक है, अगर सिंचित खेती किया जा रहा है तो आय में वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है कि हम उसमें एक बार अगर फसल ले रहे हैं तो उसमें दो बार फसलों को इसमें लिया जा सकता है, दो बार तीन बार इसमें फसलों को लिया जा सकता है, साथ साथ जो है एक फसल को हम ले रहे थे तो इसमें अलग अलग फसलों को भी इसमें लिया जा सकता है, जिससे हमारी आय में भी वृद्धि इसमें होता है। फिर दूसरा होता है इसमें भूमि का पूर्ण प्रयोग, भूमि का पूर्ण प्रयोग अर्थात जो है अलग अलग भूमि में हम लोग अलग अलग फसलों को लिया जा सकता है, जिसके कारण से हमारा भूमि का पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है हम एक फसल को लेने के बाद कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, तो खाली छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगा, हम उसमें भूमि का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा नंबर लगातार आमदनी होंगे, मतलब एक फसल की उपज के पश्चात जो हमारा दूसरा फसल जो है उपज के लिए तैयार रहेंगे, तो इससे हमको लगातार वर्ष भर आमदनी हमको इससे प्राप्त वो होता रहता है। फिर साथ साथ और क्या बोलते हैं, खाद्यान्न संकट दूर होगा, जो हमारे इंडिया के अंतर्गत भुखमरी सबसे बड़ा संकट है, तो इसमें से खाद्यान्न का जो संकट है, चावल दाल का जो संकट है, वो हमारा दूर इसमें वो हो जाता है या हो जाएगा। पहले बहुत ही ज्यादा इसमें भुखमरी होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा इसमें डेवलप होने का, इतना ज्यादा हमारे पास अनाज उत्पन्न हो रहा है कि हम उसको खा सकते हैं, या हमारे लिए पूर्ति या कुछ हद तक जो हमको मिल जाता है, तो इसीलिए जो है हमारा जो खाद्यान्न का जो संकट है कुछ दूर हुआ है, लेकिन पूरा पूरा भी दूर होना बाकी है। ठीक है, फिर आता है हमारे में जल का समुचित प्रयोग, तो जल का हम लोग जो है इसमें समुचित प्रयोग किया जा सकता है, हम जो है जल को वेस्ट नहीं होने देंगे, इसमें हम एकत्रित करके उसको जो है अलग अलग फसलों के इसमें प्रयोग किया जा सकता है। फिर बोलते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा क्यों, क्योंकि हमने अगर इसको फसल को अलग अलग फसलों को उगाएंगे कि हम इसको बाहर जो कंट्रीज है देश वहां पर भी इसको बेचेंगे, जिसके कारण से विदेशी मुद्राओं का आगमन होगा और हमारे राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि वो होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या होगा, तो सीमाएं में सबसे पहले आता है समुचित साधनों की आवश्यकता। समुचित साधनों की आवश्यकता का अर्थ यह है कि अगर हमने सिंचित खेती अपना रहे हैं तो हमारे पास समुचित साधन का होना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि इसके लिए पाइप चाहिए या आपके लिए इसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास समुचित साधन का होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा उत्पादन दर जो है वो कम हो जाता है। फिर बोलते हैं मजदूरों की संख्या, जिस जगह पर आप सिंचित खेती ले रहे हैं वहाँ आसपास आपको मजदूरों का मिलना भी बहुत ही जरूरी होगा, अगर मजदूर नहीं मिलेंगे तो आपका काम जो है सही समय पर नहीं हो पाएंगे और इसका असर जो है आपका उपज पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं तकनीकी ज्ञान होना, ठीक है, तकनीकी ज्ञान का अर्थ यह है कि जैसे कीट वगैरह लगे हैं या कोई उसमें संकट काल का भी उसका कब उसमें दवाई को डालना है, कब उसमें खाद को डालना है, तो इसके लिए हमको तकनीकी ज्ञान का भी आवश्यक बहुत ही इसमें जरूरी होता है, जिसके द्वारा हम अपने फसलों को जो है सही तरीके से पोषण उसको दे सकें। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा इसमें देता है हमारे में जातियों का चुनाव, तो ऐसे जातियों का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे उसमें प्रतिरोधक मतलब कीड़ों के प्रति या रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसे जातियों का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ही इसमें आवश्यक होता है। अब देखते हैं इसके बाद सुझाव देखते हैं कि सिंचित खेती के लिए क्या क्या सुझाव हमारे पास आ सकते हैं, तो इसके लिए सुझाव आप जो है अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं, तो मैं एक दो इसमें अब बता देता हूँ, जैसे कि अच्छे बीजों का चुनाव करना एवं जो है जो आपके कृषि उपकरण है उसका समुचित इसमें प्रयोग करना एवं जो है उसमें आपका उसके संकट काल का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात यानी कि जब आपको कब पानी देना है, किस समय पर उसको पानी देना है, इसका भी ज्ञान एवं जो है मजदूरों की आवश्यकता मतलब सब चीज को आपको मेंटेनेंस करके चलाने की सुझाव इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो था इस अध्याय का अंतिम और लास्ट वीडियो है, अब और आने वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 6 को। तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।